नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। 1947 में बने पाकिस्तान को 1850 माह हो गए हैं, यानी 1850 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सीमा पर 7 दिन भी ऐसे नहीं गए जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी न होती हो। आप देख रहे हैं पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। जी हां, आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है जो समझदार नहीं बल्कि बड़ा बदतमीज है। उन्होंने कहा 1947 में बने पाकिस्तान को 18 माह और 50 दिन हो चुके हैं, यानी 1850 माह बीत चुके हैं, लेकिन सीमा पर 7 दिन भी ऐसे नहीं गए जब पाकिस्तान गोलीबारी ना करता हो। वर्ष 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने पाक के 90,000 फौजी बंदी बना लिए थे, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब तो नगाड़ा भी बज चुका है, नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दो। इंद्रेश ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों ने मेरा 3 बार अपहरण करने का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जन्मादेश है, वो हमारी ही पैदाइश है जिसकी मृत्यु भी अटल है। हमारे देश भारत की कोई जन्म तिथि नहीं है, भारत अमर है। उन्होंने कहा क्योडक वासियों से कहा कि वह गाँव में अपने घरों को पक्का अवश्य करें, परंतु 10-20 साल लाख रुपए बचा करके अवश्य रखें, क्योंकि वह उनसे लाहौर, ढाका और जल्द ही जमीन खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। 1971 में पाकिस्तान टूटा, जिसके बाद में पाक और बांग्लादेश निकले। अब पाकिस्तान से 7 देश आज़ादी की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। वह राष्ट्रीयता का मानवता की सच्चाई गला घोंट देंगे और बदनाम कर देंगे। उनके षड्यंत्र का और पूरी तरह से पर्दाफाश हो, एजेंसियों को मिसयूज नहीं कर सके, न्याय को वो कुचल और दबा नहीं सके। अंततोगत्वा कहते हैं सत्य की, धर्म की और न्याय की जीत होती है। कभी कभी उसमें डिले जरूर हो जाता है, परंतु अंततोगत्वा सत्य की और न्याय की ही जीत होती है। हिंदुत्व भगवा यह एक सत्य है, न्याय है, विकास है, सेवा है और उसकी जीत हुई। इस रूप में ही आज इसको देखा जाना चाहिए। और जिन लोगों को ये लगता है कि इसके अंदर न्यायपालिका से कुछ गड़बड़ हुई है, इसका मतलब है कि उनको इस देश के संविधान पर, न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। ऐसे लोग इस देश की एकता और अखंडता के लिए और दुश्मन है, खतरनाक है, वह बोझ है। मिशन 2 काट दिया ऐसा है, वहाँ किसी का टिकट नहीं काटा जाता। सबसे बड़ी बात यह है वहाँ पर नानाजी देशमुख से एक परंपरा चली है, कलराज मिश्र ने भी उस परंपरा में आगे बढ़ाया, अडवाणी जी भी उसी परंपरा में से है और देश के ऐसे अनेक नेता भी उस परंपरा में से हैं। और इसलिए और इस प्रकार का सोचना उस दल में नहीं है, और उस दल के अंदर ये है कि जितना कर सके हैं बहुत अच्छा है, अगर टिकट मिलेगी तो करेंगे, टिकट नहीं मिलेगी तो भी करेंगे, क्योंकि देश के लिए करना, समाज के लिए करना, तो उसमें टिकट से भी एक रास्ता है। जो हार जाएंगे वो भी करते हैं, जो नहीं लड़ते हैं वो भी करते हैं। ना लड़ने वालों में लाखों और करोड़ों हैं, लड़ने वालों में चंद रहते हैं। और इसलिए इस नज़रिए से ही उस पार्टी के अंदर 99% लोग सोचते और करते हैं। तो अब संघ 2019 के मिशन में कितना साथ देगा? ऐसा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर का हर स्वयंसेवक जो 16 वर्ष से ऊपर का है वो वोटर है, मतदाता। और इसलिए डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ज़रूरत है 100% मतदानों, नोटा ना हो, और जिसके जहां विचार मिलते हैं उसके अनुसार वो वोट करें।
इसलिए संघ ने स्वयं सेवकों को अपील की है कि वह अधिकतर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ही नहीं, पूरा मतदान करवाने में काम करें, अर्लीएस्ट मतदान करवाएं और नोटा ना हो इसकी कोशिश करें। जिनके वोट नहीं बने हैं वोट बने, और स्वाभाविक रूप से यह देश जहाँ जिनके हाथों में सुरक्षित है, विकास की गारंटी है, जहाँ जाति के, मत पंथ के, भाषा बोली के, अमीर गरीब के, परंपराओं के भेद खत्म होकर हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, ये भाव हो, पाकिस्तान को सबक सिखाए, चीन से भी, जिससे इस देश की आज़ादी की रक्षा करने का सामर्थ्य हो, समाज उनको वोट करेगा और कर रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है। जो लोग आज सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगकर सेना बलिदान और प्रोत्साहन को कलंकित कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान की निंदा करने के बजाय सरकार पर, दलों पर, नियत पर प्रश्न खड़ा करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, ये लोग एक किस्म से देश के लिए और कलंक हैं और गद्दार। जनता उनको सबक सिखाएगी और मजबूत हाथों को देश फिर से सौंपेगी। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई 10 बार कांग्रेस और बाकी दलों को दिए, आप 2-4 बार बीजेपी नरेंद्र मोदी को भी दो, ताकि देश दिन दुगनी रात चौगनी मजबूत भी हो और तरक्की भी हो।